बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर चैनल मैथ एजुकेटर्स ऑफिशियल। आज हम एक्सरसाइज 4A का ऑक्सफोर्ड की बुक से पढ़ रहे हैं, 9th क्वेश्चन। ठीक है, देखें इसको सिंप्लीफाई किस तरह किया जा सकता है। जिसे लिखा है 1/4x और 1/3x। सबसे पहले इसको हम मल्टीप्लाई 1 को x से कर देंगे, क्या हो जाएगा, x/4 प्लस x/3। एल सी एम आपको पता है 4 और 3 का 12 आता है, 4 3 12 और 3x प्लस 4x कितना हो जाएगा 7x/12। यही इसका आंसर है, या तो आप इस तरह लिख लेंगे 7/12 इंटू एक्स, जैसे यहाँ लिखा हुआ था, यही इसका आंसर है। अब इसी तरह इसके एक्सप्रेशन नंबर 2 बी एक्सप्रेशन देखें, इसको आप लिख लें 2y/5 माइनस y/3। एल सी एम आप पता है इसका क्या आएगा, 15 आएगा, 5 3 15, 3 2 6 वाई माइनस 3 5 15 5y, जबकि 6 में से 5 गए, 1y बचेगा, 1/15y। यही आंसर है बुक में भी। ठीक है, अब इसके एक्सप्रेशन देख लीजिए सी और डी। सी एक्सप्रेशन में क्या कह रहे हैं कि 3/7 है, वही करें माइनस 3a/7 प्लस 3a/5। 7 और 5 का एलसीएम 35 बनेगा, 7 के टेबल में 35 फाइव टाइम आता है, 5 3 15a और माइनस का माइनस, दरमियान में जो प्लस है वही रहेगा, 5 का टेबल जो है इसमें 35 सेवन टाइम आता है, 7 3 21a। अब 15 माइनस कर दें 21 में से, कितना बचेगा 6a/35, या लिख दें 6/35a। यही इसका आंसर है। अब एक्सप्रेशन डी देख लीजिए, नाइन बी अपॉन 4 -4b/3। इसका एलसीएम 12 बनेगा, 4 3 12 होता है, 3 9 27b माइनस 3 4 12, 4 4 16b। 16 माइनस कर दें 27 से, तो कितना रिमेनिंग बचेगा 11b/12। इसको भी इस तरह लिख सकते हैं 11/12b। तो यही इसका आंसर है। तो अब हमारे 9th क्वेश्चन हो चुके हैं। अब इसका नेक्स्ट लेक्चर में 10th क्वेश्चन में अपलोड करूँगा, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाजमी शेयर करें, वॉच करें। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।